आज दोपहर बाद समय करीब 1 बजे पुलिस थाना जंडूता में सूचना प्राप्त हुई कि समोह जंगल में एक बोरी में मानव शरीर के कुछ अंग जो है वो रखे गए हैं। इस सूचना पर एक पुलिस दल जंडूता पुलिस स्टेशन से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पर पहुंचने पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो सूचना पुलिस को दी गई थी वह सत्य पाई गई और एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो है वो जंगल में पाए गए। इस घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के पश्चात मालूम हुआ कि मृतक का नाम अंकित है और अंकित के पिता ने अपने बेटे के बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया और अंकित के पिता ने बताया कि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये मेरे बेटे के हैं और उस बॉडी पार्ट्स पे कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क थे जिसके आधार पर उसने इसे अपने बेटा अंकित का शरीर बताया। इसी तरह की एक और सूचना ब्रुहा नामक स्थान से भी प्राप्त हुई मगर घटनास्थल पर जाकर के निरीक्षण करने के पश्चात ब्रुहा नामक स्थान पर जो कुछ अवशेष मिले थे वो ह्यूमन बॉडी के नहीं पाए थे। मृतक के पिता ने आगे बताया कि अंकित क्लोल और टेक्निक कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था और 14/7 से अंकित का जो था वो मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा था लेकिन अंकित के परिवारजनों ने अंकित के गुम होने की सूचना 19 तारीख को पुलिस स्टेशन जंडूता में दर्ज कराई। आज घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों और आरएफएसएल के वैज्ञानिकों की राय के अनुसार अंकित की हत्या की गई है जो इस पर धारा 302 और 34 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा नंबर 49/2022 थाना जंडूता में दर्ज किया गया है। जांच में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करके घटना में शामिल व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है।